इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में सभी टीमें तैयार हैं। 22 मार्च से शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए टीमें जोर शोर से तैयारी में लगी हुई हैं, जिनकी नजरें इस हाई प्रोफाइल इवेंट के फाइनल मैच को जीतने पर होगी। इस बार के सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की टीम पूरी तरीके से तैयार है। नए कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ टीम में कुछ खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिसे मुंबई पलटन इस बार काफी अच्छी दिख रही है। इस टीम की प्लेइंग 11 पर हर किसी की नजरें हैं, तो चलिए जानते हैं मुंबई इंडियंस की कैसी हो सकती है स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11। इस बार के सीजन में मुंबई इंडियंस का कैप्टन बदल चुका है, जहां हार्दिक पांड्या के लीडरशिप में टीम में पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर इनके पास तिलक वर्मा है, जो कमाल के बैट्समैन है। इसके बाद T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बैट्समैन बन चुके सूर्य कुमार यादव होंगे। इसके बाद मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या और फिर नेहल वडेरा को रख सकते हैं, जो काफी टैलेंटेड है। इसके बाद टीम डेविड और पीयूष चावला टीम में फिट होते दिख रहे हैं। इसके बाद मुंबई पलटन की फास्ट बॉलिंग यूनिट में जेसन दिलशान और फिर जसप्रीत बुमराह होंगे, जिससे टीम का कॉम्बिनेशन काफी तगड़ा दिख रहा है। दोस्तों, मुंबई के स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 पर एक बार फिर से नजर डाले तो इसमें रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नेहल, टीम डेविड, पीयूष चावला, जेसन दिलशान, मधुशंका और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के साथ प्लेइंग 11 काफी मजबूत नजर आ रही है। इनके बाद अगर आपको किसी प्लेयर की जगह सही नहीं लगती तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें।